मालिक मैं भी ना, आपने आलू प्याज की दुकानों पर टमाटर लेते वक्त कितने लोगों को एक एक दो दो रुपए की सेविंग के लिए लड़ते झगड़ते हुए और मिन्नत समाजत करते हुए देखा हो? लेकिन उन्हीं समझदारों को जब आप टैक्स फाइलिंग के बारे में कहेंगे तो वो कहेंगे कि ना यार, इस चक्कर में ना डालो और हमें यहाँ फंसाने की कोशिश ना करो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट आप लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार है और वो हर स्टेज पे, हर स्टेप बाई स्टेप आपको टैक्सेस चार्ज कर, सिर्फ उन टैक्सेस को डॉक्यूमेंट करना और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उन टैक्सेस को जाहिर करने का नाम टैक्स फाइलिंग है। जबकि हम लोग ये समझते हैं कि टैक्स फाइलिंग का मतलब है टैक्स पेइंग, और अगर हम टैक्स फाइल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हम कोई टैक्स नहीं दे रहे, जो कि बिल्कुल गलत है। और अभी जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो डिफरेंसेस दिखाने वाला हूँ कि वहाँ टैक्स फाइलर को कितना टैक्स पे करना पड़ता है और नॉन फाइलर को कितना टैक्स चार्ज होता है, अगर उनमें से आप कोई भी काम नियर फ्यूचर में करने वाले हैं तो आप फौरी तौर पर फाइलर होना चाहिए आपको, और आप 2 घंटे में हो सकते हैं। आप खुद फाइलिंग करें, किसी लॉयर से कॉन्टैक्ट करें तो वो भी 1500-2000 में आपको 2 घंटे के अंदर अंदर फाइलर कर देगा और आपकी बहुत सारी बचत हो जाएगी। वैसे तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें ऐसा मौका मिले जहां हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करके 10% 20% तक गेन हासिल करें, लेकिन यहां हम अपनी सिर्फ नेग्लिजेंस और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं और साथ साथ मूर्ख कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस इवेंट में हमें नॉन फाइलर के ऊपर फाइलर होने की वजह से किस कदर एडवांटेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस बॉन्ड से शुरू करते हैं। प्राइस बॉन्ड पे फाइलर को 15% टैक्स चार्ज होता है जबकि नॉन फाइलर को 30% चार्ज होता है। सेविंग अकाउंट पे भी सिमिलरली फाइलर को 15% और नॉन फाइलर को 30% चार्ज होता है। रेंट इनकम के ऊपर 5-15% डिपेंडिंग अपॉन यूर रेंटेड अमाउंट। इसी तरह से नॉन फाइलर को उसके ऊपर 10-15% तक चार्ज होता है। बोनस शेयर्स जो आपको मिलते हैं उसके ऊपर आपको 10% फाइलर होने की सूरत में, जबकि नॉन फाइलर होने की सूरत में 20%। या मोटर व्हीकल लीजिंग अगर आप करते हैं तो फाइलर को उस पर कोई टैक्स नहीं है, जबकि नॉन फाइलर को 12% वहां भी पे करना पड़ेगा। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऊपर फाइलर के लिए 10,000 से 5,00,000 तक है, जबकि नॉन फाइलर का शुरू ही 30,000 से होता है और 15,00,000 तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी इंजन कैपेसिटी। इसी तरह से टोकन टैक्स जो गाड़ियों पे होता है, फाइलर का 800 से लेकर 10,000 तक, जबकि नॉन फाइलर का 1600 से लेकर 2,000 तक, ये भी इंजन कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज होता है, लेकिन नॉन फाइलर को हमेशा डबल पे करना पड़ता है। कमीशन जो आपको मिलता है उसके ऊपर 12% टैक्स फाइलर होने की सूरत में, नॉन फाइलर को उस पर भी 24% चार्ज होता है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे फाइलर को कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, जबकि नॉन फाइलर को 0.6% यानी 1,00,000 पे 600 रुपये तक का टैक्स चार्ज होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं उस पर आपको 2% फाइलर होने की सूरत में चार्ज होगा और नॉन फाइलर को उस पर भी 10% चार्ज होता है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे बीइंग ए सेलर आपको फाइलर होने की सूरत में 3% चार्ज होता है और नॉन फाइलर होने की सूरत में 6% तक चार्ज होता है, जबकि बायर को इसके ऊपर फाइलर होने की सूरत में 3% है और नॉन फाइलर होने की सूरत में 10.5% तक जाता है। जैसे अमूमन 7% इसमें चार्ज होता है, लेकिन अगर बाकी चीज़ें भी ऐड कर लें, सारे टैक्सेस सबको कंबाइन करके 10.5% तक। जनरल सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर फाइलर को 7% टैक्स लगता है और नॉन फाइलर को 14% टैक्स अदा करना पड़ता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली फाइलर के लिए कोई उसके ऊपर टैक्सेस नहीं है, लेकिन नॉन फाइलर का अगर 25,000 से ज़्यादा उसको बिजली का बिल आता है तो उसके ऊपर भी उसे 7.5% तक टैक्स चार्ज होता है। और इस तरह से अब आप खुद समझदार हैं, आपने देख लिया है कि कितने ज़्यादा इजाफी टैक्सेस आपको नॉन फाइलर होने की वजह से देने पड़ रहे हैं, जबकि आपका ख्याल यह है कि नॉन फाइलर होकर आप टैक्सेस को कोई अवॉइड कर रहे हैं या आप टैक्सेस से बच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए मेरी यही सजेशन है कि आपको फौरी तौर पर फाइलर हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का लाभ।